नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको उसमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर डालें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और किस विषय पर वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नागकूप का रास्ता जो कि पाताल लोक तक जाता है। यहाँ दर्शन करने से दूर हो जाता है काल सर्प दोष। दोस्तों, पाताल लोक का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया, लेकिन धर्म नगरी वाराणसी में एक ऐसा मशहूर कुआं है जिसे पाताल लोक का दरवाज़ा बताया जाता है। वैसे भी स्वास्थ्य नगरी काशी में धार्मिक रहस्यों की कमी नहीं है। यहाँ के नवापुरा नामक एक स्थान पर स्थित कुआं नागकूप भी उन्हीं में से एक है। नागकूप कारकोटक नागी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी गहराई कितनी है यह तो कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इस कूप के अंदर से ही पाताल लोक का रास्ता है। नागपंचमी के पर्व पर यहाँ काल सर्पदोष की शांति के लिए श्रद्धालु और नेमियों की भीड़ लगती है। बताया कि मान्यता है कि नागकूप में आज भी नागों का निवास है। इस कुएं का वर्णन तमाम धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जिसके अनुसार इस कुएं का दर्शन मात्र से ही नाग दंश भय के साथ ही काल सर्प दोष से भी राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि इसीलिए इस कुंड का नाम नागकूप है, जहां दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बताते हैं कि कर्कोटक नाग तीर्थ के नाम से जाने वाले इसी जगह पर शेष अवतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने व्याकरणाचार्य पाणिनि के भाष्य की रचना भी की थी। पूरे विश्व में कालसर्प दोष की सिर्फ तीन जगह ही पूजा होती है, उनमें से ये कुंड प्रधान कुंड है। स्कंद पुराण के अनुसार यह वह स्थल है जहाँ पाताल लोक जाने का रास्ता है। माना जाता है कि इस कूप के अंदर 7 कूप है और इसे नासा ने भी स्वीकार किया है। शास्त्रार्थ समिति के महामंत्री डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि शास्त्रों के आंतरिक ज्ञान तथा कोड पत्र का ज्ञान पांडुलिपियों में जो है उसका ज्ञान शास्त्रार्थ से ही होता है, इसलिए इस परंपरा को जीवित रखना काशीवासियों का दायित्व है। यहाँ नागपंचमी पर हर साल हजारों लोगों की जुटान होती है। शास्त्रों के अनुसार नागपंचमी के दिन स्वयं पतंजलि भगवान सर्प रूप में आते हैं और बगल में नागकूपेश्वर भगवान की परिक्रमा करते हैं। मान्यता यह भी है कि शास्त्रार्थ में बैठते हैं और शास्त्रार्थ में शामिल विद्यार्थियों पर कृपा भी बरसाते हैं। नागकूप कालसर्प शांति का एकमात्र स्थान है। यहाँ नागकूपेश्वर शिवलिंग का पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी के 4,500 सूत्रों से अभिषेक और बिल्वा अर्चन किया जाता है। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए लोग नागकूप के जल में दूध और लावा भी चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।